So what is up guys and welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. So basically this video is about the things you should see before buying a second hand bike. So मैंने अपने last video में दिखाया था कि मैंने एक second hand bike लिया है जो कि Yamaha R15 version 1 है. So वो 2012 model था. तो वो मैं क्या सोच के लिया हूँ उसी पे ये video है. So number one, so whenever you buy a second hand bike, do check the RC, insurance and pollution. अगर insurance और pollution नहीं भी रहा तो वो तुम बाद में करवा सकते हो, but do check the RC, क्योंकि बहुत बार क्या होता है वो owner clarify करता है कि ये first owner है but वो निकलता second owner है जब वो transfer होके आता है. So सबसे पहले तुम्हें चेक करना चाहिए कि वो RC कौन से ओनर के नाम पे है एंड इंजन नंबर एंड चेसिस नंबर भी उसका चेक कर लेना. सो नंबर सेकंड इज द इंजन. तो जब भी तुम जाओ तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा एक मैकेनिक साथ में ले जाओ. भले ही वो 200 टू 300 तुमसे लेगा बट एश्योर रहेगा कि हाँ तुम्हारा बाइक ठीक है. तो मैंने क्या किया था कि मैं एक मैकेनिक साथ में ले गया था और उससे वो बाइक जो मैंने परचेज किया है उसको चेक करवाया. सो मेरा जो बाइक है वो भले ही थोड़ा एक्सीडेंटल टाइप का है बट उसका इंजन और बाकी सब इंजन ब्रेक्स बहुत और टायर्स बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट कंडीशन में है. आई मीन नॉट दैट परफेक्ट बट हाँ वो कंडीशन बहुत अच्छा है. मैंने उससे टायर्स भी चेक करवाए, टायर्स भी ब्रांड न्यू थे. इंजन जो था वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्मूथ फंक्शन कर रहा है एंड ब्रेक्स भी बहुत अच्छे थे. बस वही था कि वो बाइक थोड़ा बहुत एक्सीडेंटल था. यस ये मैं मानता हूँ. नंबर थ्री जो है वो कुछ ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है बट फिर भी पार्ट्स. सो जब मैं बाइक लिया उस वक्त तक बहुत सारे जो पार्ट्स थे वो ज़्यादा लूज नहीं थे, मेरे को टाइट लग रहे थे. बट कुछ दिन होते होते वो पार्ट्स खुद से निकलने लगे. आई मीन मेरा जो R15 का बॉडी किट है वो बहुत ज़्यादा लूज हो गया, उसके कुछ पार्ट्स मिसिंग हो गए, शायद कोई स्क्रूज एंड ऑल निकल गया, आई डोंट नो. सो बहुत ज़्यादातर क्या होता है कि वाइब्रेट करने पे वो सब लूज़ हो जाते हैं और पार्ट्स गिरने लगते हैं. तो मेरा बॉडी किट का बहुत सारा नट बोल्ट्स गिर गया जो कि मेरे को बाद में जाके लगाना पड़ा. और उसके बाद जो इंडिकेटर्स थे, जो फ्रंट इंडिकेटर्स थे, वो भी साइड से निकल गए. तुम शायद वीडियो में नोटिस किया होगा कि उसके इंडिकेटर्स गिर रहे हैं, मतलब वो बहुत सारे निकले हुए हैं. सो पार्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं कंसिडर करना. तो मैंने उतना ज़्यादा कंसिडर इसलिए नहीं किया क्योंकि बाइक ख़रीदने के बाद मेरे को वो सर्विसिंग करवाना ही था एट एनी कॉस्ट. जो भी हो मेरे को इंजन ऑयल चेंज करवाना ही था, ऑयल फिल्टर चेंज करवाना ही था. तो इसीलिए मैंने नहीं किया. जो मैं बाइक लिया हूँ अपने बजट के हिसाब से लिया हूँ और क्या मेरे रिक्वायरमेंट्स थे उस हिसाब से लिया हूँ. मैंने मैकेनिक से जो चेक करवाया वो बाइक बहुत ज़्यादा अच्छा कंडीशन में था, इंजन उसका स्मूथ था. तो इसी बेसिस पे लिया हूँ. मैंने ये नहीं देखा कि उसके पार्ट्स लूज हैं या फिर एक्सीडेंटल हैं, क्योंकि वो मैं बाद में मॉडिफाई करवाता ही करवाता. सो एंड द फोर्थ वन इज़ जो मेरे को आया वो है ऑयल लीकेज. यस झूठ नहीं कहूँगा, मैं जब बाइक लिया तो उसके अगले दिन नहीं दो तीन दिन बाद क्या होता था, बहुत ज़्यादा उसमें से स्मोक आता था. स्मोक क्यों आता था, मैंने जब मैकेनिक से पूछा, मतलब जो ओनर था जहाँ से मैं बाइक लिया था उससे पूछा, तो उसने कहा कि वैक्स लगा हुआ है. और जो मैकेनिक था जो मेरे साथ गया था उसने भी कहा शायद वैक्स ही है. वो इंटरनल खोल के तो नहीं देखा लेकिन उसने भी कहा था वैक्स है. लेकिन वो बाद में मैं कहीं और चेक करवाया था, जब सर्विसिंग करवाया था गो बम्पर से, उन्होंने कहा कि ऑयल लीकेज है. लेकिन मेरे को उस वक्त भी भरोसा नहीं हुआ कि शायद वैक्स ही होगा. तो फिर मैं क्या करवाया, तो बहुत दिन हुआ तो मैं देखता था कि 10 to 15 days हो गया तो वो फिर भी बहुत ज़्यादा ऑयल लीकेज होता था. हाँ होता था, जब मैं बाइक चला के रुकता था तो बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता था. तो मैंने सोचा कि मैं इसको बनवा लेता हूँ. तो जब मैं बनवाया तो उसने कहा कि ऑयल लीकेज ही है, फिर वो मेरे को बाद में बनवाना पड़ा, वो वैक्स नहीं था. सो ये सब चीज़ों से भी तुम देख लेना. ऑयल लीकेज का मेरे को अराउंड समवॉट 400 लिया, तो मैं उसको बनवा लिया. तो 400 नॉट अ बिग डील, इट्स गुड, इट्स फाइन.
नंबर फिफ्थ है कि वाइब्रेशंस। सो हाँ, मेरे बाइक में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होता है, ये भी मैं मानता हूँ। वो क्यों होता है, जब तक मैंने सर्विसिंग नहीं करवाया था बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हो रहा था, एंड जब मैंने एक सर्विसिंग करवाई तो 2-3 दिन वो वाइब्रेशन नहीं हो रहा था, बेसिकली नहीं हो रहा था, लेकिन वो फिर से कुछ दिन बाद होने लगा। तो मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया, वो मैं अपने दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने क्या ऑर्डर किया और मैंने क्या लगवाया कि वो वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा बहुत हद तक काम कर गया। आई मीन, वो मेरे बाइक पर बहुत अच्छा इफेक्टिवली काम किया है। तो वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। तो वो क्या है कि आई मीन इट्स सॉर्ट ऑफ ऑयल, ये जो तुम नेक्स्ट वीडियो में देख लोगे वो क्या है। सो वो तुम्हें मिक्स करना पड़ता है पेट्रोल के साथ। जब तुम 5 लीटर से ज़्यादा अगर पेट्रोल फिल करवाओगे, उसके बाद उस चीज़ को तुम दोगे, तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा हद तक इंजन परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, माइलेज इंप्रूव होगा, एंड ये वाइब्रेशंस कम होगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि यस, ये बहुत इफेक्टिव है। वो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। यस गाइज, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना, कमेंट करना कि क्या तुम सेकेंड हैंड बाइक खरीदे हो आज तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।